आज मैं आपको गिलगित बल्तिस्तान, जो मेरे प्यारे पाकिस्तान का एक सूबा है, पाकिस्तान में हमारे 5 सूबे हैं और सबकी सकाफत कल्चर अलग है। आज आप लुत्फ अंदोज होंगे, मेरे साथ शेयर करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की। हुंजा से आए हैं आप? हुंजा से आए। और इसके अलावा जो ट्रेडिशनल केप्स है और वॉलेट से पाउचेस है, ये बनाते हैं हम लोग। हाथ से क्या बनाते हैं? ये सारी चीजें हाथ की बनी हुई है। और देसी टीवी आपको दिखाएगी दुनिया में गिलगित बल्तिस्तान का पत्थर का बर्तन। इसका स्पेशल है, इसके ऊपर ये मारखोर का डिजाइन बना हुआ। मारखोर का है? बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए इसका रेट 18,000 रुपए। केटू के दामन से, केटू जहाँ पे वहीं से ये पत्थर निकलते हैं। तो बहुत मशहूर पत्थर है, इस पत्थर का नाम है जहर मोरा, जो गिलगित बल्तिस्तान में है, जो कुदरत का एक तोहफा है। इसके ऊपर हम एप्रिकॉट ऑयल और मलबरी जैम यूज करते हैं। ये सुई से बनाते हैं ये सारे। ये मुख्तलिफ किस्म के पत्थर हैं, यानी पहले ये इस्तेमाल होते थे, आज से 50 साल पहले। तो इनकी आपने प्राइस क्या रखी? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अनवर अली कीरियो। आज मैं आपको गिलगित बल्तिस्तान, जो मेरे प्यारे पाकिस्तान का एक सूबा है, शेयर कराता हूं आपको और वहां की लोकल लोगों से और जो शॉपकीपर हैं यहां पे इस लोक विरसा में आए हैं, क्या क्या चीज़ें लेके आए हैं उनका तारुफ कराता हूं कि क्या यहां पे रखा हुआ है। क्योंकि यहां पे पाकिस्तान में हमारे 5 सूबे हैं और सबकी सकाफत कल्चर अलग है। तो आज आप लुत्फ अंदोज होंगे, मेरे साथ शेयर करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं आप? गिलगित बल्तिस्तान से? जी गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा से आए हैं हम लोग। आप हुंजा से आए, क्या क्या चीजें आपने रखी हैं यहाँ पे? मैंने हम कारपेट वीविंग का काम करते हैं और इसके अलावा जो ट्रेडिशनल केप्स है और वॉलेट्स है, पाउचेस है, ये बनाते हैं हम लोग। हाथ से क्या बनाते हैं? ये सारी चीजें हाथ की बनी हुई है, इसको हम वीव करते हैं। इसमें ये क्रॉस स्टिच का काम होता है, इसकी हम वीविंग करते हैं। शीपुल इस्तेमाल होता है, मटेरियल शीपुल इस्तेमाल होता है, नेचुरल डाई है। अच्छा ये नेचुरल चीज। अच्छा ये जो आप दिखा रही हैं, इन पे कितने मेहनत लगती है और कितने टाइम में ये चीज बनती है? इसमें तकरीबन ये हफ्ता तो लग जाता है। जी। और इस पे अखराजात भी आपके आते हैं? जी ये 800 की हम देते हैं। आप 800 की दे रहे हैं? इसके अलावा ये जो कैप्स हैं या जो चीजें हैं, इसके अलावा ये जो छोटी सी पीस है कारपेट की, यस, इसमें तकरीबन 15 दिन लगते हैं। इसमें 15 दिन, ज्यादा दिन भी लगते हैं। और ये हम 3,000 के देते हैं। अच्छा नाजरीन, ये जो चीज है ये हाथ का बनाया हुआ कालीन है और इसके बनाने में 15 दिन लगते हैं और यहाँ पे इन लोगों की मजदूरी 3,000 रुपया इन्होंने इस पीस की रखी है, पर पीस के हिसाब से। तो बाकी इनके हाथ की ये टोपियाँ हैं, इस पे कितना टाइम लगता है मैडम? इसमें तकरीबन 20 दिन लगते हैं। 20 दिन लगते हैं इस पे। आपको क्या मिल रहा है? ये हम 4,000 का देते हैं। 4,000 का? जी। थैंक यू मैडम, बहुत मेहरबानी, आपकी बहुत अच्छी चीजें हैं और देसी टीवी आपको दिखाएगी दुनिया में। गिलगित बल्तिस्तान का पत्थर का बर्तन आप हाथ से बनाते हैं, तो कौन सा बर्तन है जो अभी आपने बनाया है और मुझे इनकी थोड़ी सी तारीफ दें। ये पत्थर, ये जो चीजें पड़ी है, ये पत्थर हमारे जुबान में ना इसको कोल्लो बोलते हैं। अच्छा। जी ये हम मतलब हफ्ता दस दिन में ये एक तैयार हो जाते हैं। ये जो बर्तन पड़ा हुआ है ये बड़ा वजनी है माशाल्लाह, ये हफ्ते 10 दिन में बनता है? जी हफ्ते 10 दिन में ही बनता है। और ये कितने में आप यहाँ पे बेचते हैं? ये हम इधर का मतलब 20-22 हज़ार में बेचते हैं। 20-22 हज़ार सिर्फ ये एक पीस है या इसके साथ और चीज़ें भी होती हैं? सिर्फ यही एक चीज़ है। और जो ये चीज़ें आपने रखी हुई हैं इनकी मुख्तलिफ कीमत है? जी इनका मुख्तलिफ है। ये संगमरमर है? जी ये संगमरमर। अच्छा तो इनमें कुछ क्या प्राइस है इनकी? इसका 3,000 रुपया। अच्छा ये घड़ियां हैं इसमें? ठीक दोस्तों, इसमें ये घड़ी लगी हुई है और ये संगमरमर का इन्होंने पेपर वेट बनाया हुआ, ये पेपर वेट ही इसको कहते हैं, ये पेपर वेट है
जो बेस्ट है, और भी ये संगमरमर की चीजें हैं जो ये गिलगित के दोस्त बना के आते हैं जी। अच्छा जी, तो इनकी क्या प्राइस है? इसका स्पेशल इसके ऊपर ये मारखोर का डिजाइन बना हुआ है, मारखोर का है बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए इसका रेट 18,000 रुपए का। असल में इस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसमें बीमारी कुछ भी नहीं आते जी। अच्छा अच्छा, मतलब ये वायरस को ख़त्म कर देती है और बीमारी से बचाती है, महफूज रहते हैं। और ये उसके साथ ये भी देते हैं जी? जी, ये स्पेशली इसमें अगर ये चम्मच इस्तेमाल करें ना, खाना बहुत टेस्टी बनता है जी। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या वैरायटी है, मुझे ज़रा बताएंगे? और ये कितने टाइम में ये चीज़ें छोटी बड़ी बनती हैं? ये पत्थर बल्तिस्तान में पाए जाते हैं, बल्तिस्तान के डिस्ट्रिक्ट शिगर केटू के दामन से, केटू जहाँ पे वहीं से ये पत्थर निकलते हैं। तो ये पत्थर हम नाले से तोड़ के ला के गधे पे पीठ पे चढ़ा के मजदूर ले जाके ला के ये सारा चीज़ें हम खुद बनाते हैं, हमारा खुद अपना मैन्युफैक्चरिंग है। इसको बनाने में कितना टाइम लगता है? बनाने में तकरीबन ये पीस बनाने में तकरीबन 2 दिन लगते हैं, एक पीस बनाने में। हाथ और मशीन दोनों इस्तेमाल होते हैं। एक होते आम मार्बल का पत्थर, वो नहीं है, ये बल्तिस्तान का बहुत मशहूर पत्थर है। इस पत्थर का नाम है जहर मोरा। जहर मोरा जी, ये भी आपके हाथ की बनाई हुई है? ये डेकोरेशन पीस है, ये भी जहर मोरा का है। तो नाजरीन, ये चीज़ें जो हैं, इस पत्थर का नाम है जहर मोरा, और ये जहर को ख़त्म करता है, क्योंकि बादशाही दौर में बादशाह और राजा ख्याल करते थे कि कोई नौकर या कोई बाहर का बंदा हमें जहर न दे, तो इस पत्थर को इस्तेमाल करते थे और इनके बर्तनों में खाते थे कि जहर असर न करे। बेसिकली हमारी कंपनी का नाम ऑर्गेनिक एफ्रिको है और हमारा ताल्लुक स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान से है, और हमारे पास तरह तरह के ड्राई फ्रूट्स, जलाजीत और शहद। हमारा मेन काम जो है वो एक्सपोर्ट का है, हम पाकिस्तान से बाहर चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, और हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो जलाजीत है। ये जलाजीत है, इसकी हमने लैब रिपोर्ट्स, लैब टेस्ट करवाई हुई है, और ये सारी चीज़ें जो तैयार होती हैं वो ऑर्गेनिक है, बायोडायनेमिक फार्मिंग के ज़रिए हम ये चीज़ें तैयार करते हैं। स्कर्दू में हमारे फार्म हाउसेज हैं, और वहाँ से हम ये चीज़ें फिर प्रॉपर हाइजीनिकली हम बाहर इनको एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये स्टॉल हमने लगाया है पाकिस्तान की मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए, इस्लामाबाद की मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए, और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो गिलगित बल्तिस्तान में है, जो कुदरत का एक तोहफा है, कुदरत का ये तोहफा है हमारे लिए, तो उनको हम पाकिस्तान की अवाम के लिए यहाँ पर लेके आए। बहुत बहुत मेहरबानी। लेकिन ये सलाजीत जो है, ये किस काम आता है? सलाजीत बेसिकली इसमें 84 मिनरल्स हैं, इसको कहा जाता है मिनरल पिच। हमारी बॉडी के अंदर जो मिनरल्स की कमी होती है, या जो हम खाना खाते हैं वो हमारे फीसिस के साथ निकल जाता है, वो जहाँ हमारी बॉडी जो है उसको होल्ड नहीं कर पाती। सलाजीत में, या आप अगर लेब रिपोर्ट दिखा सकें वहाँ पे, तो 58% इसमें फेल्विक एसिड है, इसमें 58% फेल्विक एसिड है। फेल्विक एसिड का मकसद ये होता है कि फेल्विक एसिड जो हम खाना खाते हैं, जो कंज्यूम करते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर होल्ड करते हैं, तो उसका फ़ायदा होता है हमें। इसके अलावा इसमें फटीक, जो टाइटनेस हमें फील होती, थकावट सी महसूस होती है, उसको ख़त्म करने के लिए, बालों का जड़ना, और इससे बेशुमार फायदे हैं। इनमें क्या है, शहद है या कोई और? ये वाइल्ड फ्लावर हनी है, इसमें 19 फ्लावर्स के नेक्टर शामिल है, वाइल्ड फ्लावर हनी है, और ये वॉलनट ऑयल है, वॉलनट ऑयल, ये अखरोट का तेल है, ये अखरोट का तेल है ठीक, ये आलमंड ऑयल है, ये बादाम का तेल है, और इसके साथ ये एप्रिकॉट ऑयल है। ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक हैं, टोटली ऑर्गेनिक, अनहीटेड, अनपॉस्चराइज्ड ये हम तैयार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये क्या बना रहे हैं मैडम आप? सर ये हमारा लोकल डिश है, इसको हम ग्राल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? ग्राल। ग्राल जी, ग्राल बोलते हैं इसको। अच्छा, इसके ऊपर हम एप्रिकॉट ऑयल और मलबरी जैम यूज करते हैं, आटे का पेस्ट बनाकर इसकी चपाती बनाते हैं। अच्छा जी, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? एप्रिकॉट ऑयल और मलबरी जैम। जबरदस्त जी सर। यहाँ पे ये कितने का फी पीस दे रहे हैं आप? 100 रुपए के दे रहे हैं। माशाल्लाह बेहतरीन। और इसके अलावा क्या दे रहे हैं आप? इसके साथ चाय दे रहे हैं सर। इसके साथ चाय भी दे रहे हैं। अच्छा, थैंक यू मैडम। टूरिज्म वालों ने इधर बुलाया है, सिकर्दो में मेरी दुकान है, ये हाथ से बनाते हैं जी सारे, ये सुई से बनाते हैं ये सारे।
ये क्रोशी से बनाए सारे, मेरे हाथ से बनाए हैं। सारे हाथ से बनाए हुए हैं, तो इनकी क्या प्राइस रखी है? इसको अभी तो 1500 रखा है। 1500 रखा है। और इस पे कितना टाइम, इस पे टाइम 10-20 दिन होते हैं। 10-20 दिन। और ये ऊन होती है गर्म? गर्म ऊन, सर्दियों में मोटा चाहे गर्मियों में वो पतला चाहे। सर्दियों का कौन सा है, गर्मियों का कौन सा है? ये करोशी वाला, ये गर्मियों का। ये गर्मियों के लिए। ये 5-6-7 साल का आते हैं, 5-6 साल लड़कियों को ना बराबर आते हैं जी। ये 5 और 6 साल की लड़की को आएगा और ये गर्मी में ये पहन सकती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी बहुत बड़ी मेहनत है और हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं जिसमें दोनों वैरायटी हैं, यानी कूल्ड भी और हार्ड और कूल्ड दोनों। थैंक यू सो मच मैडम। सारा जी ये हाथ की बनी हुई है, धागा भी मैं खुद बना रही हूँ, यहाँ पे हड्डी का काम भी मेरा हो रहे है वहाँ पे। अच्छा, ये ऊन इससे बना रहे हैं जी? ये शीप ऊन है, इससे बना रही हूँ। अच्छा, जी वेरी गुड, जबरदस्त। ये धागा भी आप खुद बनाती हैं और ये शालें और ये जो चीजें हैं ये भी आप? ये सारे हैंडमेड है जो मेरे पास है, ये सब ना इसी ऊन की बनी हुई है। और ये जो ऊपर लगे हुए जी ये सब है इसी ऊन पे बनी हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो इन पे क्या प्राइस आपको मिल रही है, सही रेट मिल रही है? सही तो नहीं मिल रही, बस ऐसे भेज रही हूँ यहाँ पे, इन्हें दूर से यहाँ पे आई हूँ तो हम इतने महंगे में नहीं भेज रहे, सस्ते में भेज रही हूँ। ये सारी बात है, आपका बड़ी मेहनत है। ये क्या है जी? अच्छा 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 अच्छा, जी 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 जी, ठीक ठीक ठीक। थैंक यू सो मच जी। आप वालेकुम सलाम, क्या नाम है भाई? सर मेरा मिर्जा अतर। मिर्जा अतर साहब, ये जो चीज़ें आप लाए हैं इनके बारे में थोड़ी सी मुझे मालूमात देंगे? एक तो ये माशाल्लाह तस्बीह है। हमारे पास हैंडमेड टोपियाँ हैं, अच्छा शर्ट्स हैं, चादरें हैं और ये सारी चीज़ें हैं जो हैंडमेड है। और ये जो जितने भी हार तस्बीह और ब्रेसलेट्स वगैरह हैं ये हमारे स्कर्दू के लोकल पत्थर हैं जो वहाँ पे निकलते हैं। अच्छा, और उसके हम ये मुख्तलिफ किस्म के पत्थर हैं या किसी? जी जी मुख्तलिफ किस्म, इसमें फेरोज़ा भी है, मरजान भी है, याकूत भी है, हकीक भी है, एमरेट्स वगैरह सब है। ये जो तस्बीह बनी है ये किस पत्थर? ये हकीक है सर। ये हकीक है, तो ये कितने में दे रहे हैं आप? ये हम 600 में दे रहे हैं जी, बिल्कुल रिजनेबल प्राइस में। बाकी जो है पत्थर के हिसाब से इनकी? अच्छा, ये चीज़ जो है ये क्या है सर? ये बेसिकली एंटीक है, ये आज से कोई 70-80 साल 100 साल पुराने वो है, अभी इसके नए वर्जन आए हैं, लोगों ने बहुत सिंपल करके ये चीज़ बनाए, ये बहुत पुराने ज़माने के हैं। ठीक, यानी पहले ये इस्तेमाल होते थे आज से 50 साल पहले और अब जो है इसकी जगह पे ये बहुत भारी है और ये पहनने बनाने वाले भी अब नहीं रहे। भाईजान ये जो है चीज ये आपने हाथ से बनाई है सारी? जी जी ये हैंडमेड है। ये कितने में दे रहे हैं आप? ये हम 700 रुपये में दे रहे हैं। तो ये कितने दिनों में? ये तकरीबन एक दिन में 4-5 बना सकते हैं। एक दिन में 4-5 बना देते हैं। और यहाँ पे लगता है क्योंकि ये जो है ना ये टोपी बनाने में बहुत टाइम लगता है। ये जो मेरे सर पे है ऑलरेडी पहना हुआ, कितना टाइम लगता है इसमें? पहले सबसे पहले इसमें वूल का जो है ना वो ऊन जो है उसको बूंदा जाते हैं, उसको उसकी चादर बनाते हैं। अच्छा, चादर के बाद फिर चादर से डिफरेंट चीज़ें, ये टोपी हो गई, शर्ट्स हो गए, जैकेट हो गया, ये चीज़ें बनाते हैं। तो ये ऊन को तैयार करने में बहुत टाइम लगता है। और ये यहाँ पे कितने में दे रहे हैं आप? ये हम 800 रुपये में दे रहे हैं। बहुत मेहरबानी, आपकी बेहतरीन चीजें हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, क्या नाम है आपका? जी रजिया बानो। मैडम रजिया बानो, ये जो आप शालें और ये चीजें लेके आई हैं ये आप हाथ से? जी हाथ से बनाते हैं। पे कितना टाइम लगता है और ये गर्म है? 15 दिन अगर शाल के ऊपर अगर थोड़ा काम करना हुआ तो 10 दिन भी लगते हैं, लेकिन अगर एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल फुल बना ले तो फिर वो ज़्यादा टाइम लगता है, 15 दिन भी लगते हैं। अच्छा, इसमें दो किस्म की हैं, ये एक लेडीज लग रही है मुझे और ये जेंट्स लग रही है ना? ये भी लेडीज है और ये जेंट्स ये है।
तो इनकी आपने प्राइस क्या रखी? ये वाला 3000 है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मैडम आप? फरहत मीर जी। फरहत मीर। फरहत मीर। फरहत मीर साहब, क्या क्या चीजें हैं आपके पास? सारी हाथ की बनी हुई है? जी जी, सारी हैंडी क्राफ्ट हैं मेरे पास। वोलन शाले हैं, खड्डी की बनी हुई कढ़ाई है उधर, और स्वेटर, टोपियाँ, ड्राई फ्रूट। तो आपको इनका रेट सही मिल जाता है यहाँ? बस चल जाता है माशाल्लाह। वैसे इनकी क्या प्राइस रखी है आपने, और कितने दिनों में ये बनती हैं? ये सिर्फ धागा बनाने के लिए 1 महीना लगता है। धागा बनाने के लिए 1 माह लगता है? अच्छा, ये अच्छा, यही धागा, इस तरह हम धागा बनाते हैं तो तकरीबन 1.5 किलो 1 किलो लगता है, तो वो बनाने के लिए हमारा 1 महीना लगता है। तो 1 महीने के बाद वो शाल कितने में जाता है? जो रेट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। वो नहीं मिल रहा? हमारी मेहनत होती है वो 1 महीने सिर्फ एक औरत ये धागा बनाने की होती है, फिर 3,000-3,500 तक खड्डी वाले का खर्चा होता है, उसको 2 दिन खाना ही पिलाना, उसको रेट देना, उसके बाद धागे की जो कीमत होती है वो अलग, जो धागा डालते हैं हम बाजारी जो धागा होता है, ये जो रेड ग्रीन हर किस्म के धागे हैं इसमें लगे हुए, जी जी, उनका अलग खर्चा होता है। यानी एक चादर पे अंदाजन आपका कितना खर्चा होता है? एक चादर पे अंदाजन 12-13 हज़ार से ऊपर आता है। 12-13 हज़ार से एक चादर पे 12-13 हज़ार से ज़्यादा खर्चा आता है। तो आप बेचेंगी कितने में? अभी अगर 30% फैक्ट्री प्राइस है ना, तो वो लगाएंगे भी तो हमें 15-17 हज़ार तक वो मुश्किल बिकेगा। देखें जी, ये मेरे पाकिस्तान की पहचान है और ये मेहनत है। इस धागा बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। धागे के बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होते हैं, जो मैडम ने बताया, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत डाले, बेहतरीन चीज़ें हैं आपकी, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। थैंक यू दोस्तों। ये आज जो आप चीज़ें देख रहे हैं, मेरे साथ घूम रहे हैं, ये गिलगित बल्तिस्तान के गिफ्ट्स हैं, और ये कैसे बनती हैं, इसमें कितने अखराजात आते हैं और कितने में बिकती हैं, सारी मालूमात मैंने आपके सामने पेश की है। अब आपको लेके जाता हूँ दूसरे सूबे की सकाफत दिखाने के लिए, वहाँ जाके आपको नई चीज़ें दिखाऊँगा। उम्मीद है कि आपको पाकिस्तान का ये सूबा गिलगित बल्तिस्तान पसंद आएगा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ की चीज़ें बहुत अच्छी हैं और हाथ से बनाई जाती हैं। तो आएँ दोस्त, आपका मेज़बान अनवर अली कीरियो आपको कुछ और दिखाएँ।